नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। पूर्व सांसद व जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला का बयान। कल से शुरू होगा जेजेपी का जिला स्तरीय अभियान। 12 से 24 जून तक प्रदेश भर की सभी 12 जिलों में पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की बैठक होगी। बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर के पार्टी संगठन को और मजबूत किया जाएगा। 3 योजनाओं पर काम करने के लिए पार्टी द्वारा लिए गए निर्णय पर बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को करवाया जाएगा अवगत। लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी को बनाया गया चेहरा। क्या विधानसभा और चुनाव को मनोहर लाल खट्टर होंगे चेहरा? पल पल शीर्षक से अमर सिंह जानी की विशेष रिपोर्ट। कल फतेहाबाद जिले से जेजेपी का जिला स्तरीय अभियान शुरू किया जाएगा। जिला स्तरीय अभियान 12 से 24 जून तक प्रदेश की सभी 12 जिलों में चलाया जाएगा, जिसे पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की बैठक भी ली जाएगी और पार्टी के संगठन को मजबूत किया जाएगा। यह बात हिसार के पूर्व सांसद और जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने कही। दुष्यंत चौटाला सिरसा निवास पर अपने पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। वहीं दुष्यंत चौटाला ने कहा कि 3 योजनाओं पर काम करने के लिए पार्टी द्वारा निर्णय लिया गया है, उसको लेकर के बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को अवगत करवाया जाएगा। और उन्होंने कहा कि जो 3 योजनाएं हैं उन्हें रोजगार, मेरा अधिकार, ग्राम स्तर पर किसानों को कर्ज के आंकड़ों को एकत्रित करना, पेंशन की उम्र कम करना, इस प्रकार की योजनाएँ शामिल हैं। वहीं दुष्यंत चौटाला ने कहा कि विधानसभा समिति द्वारा गुजरात के दौरे के बाद भाजपा अध्यक्ष सुभाष बराला द्वारा हरियाणा मॉडल पर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाजपा ने 5 सालों तक हरियाणा को बर्बाद कर दिया और ये अब लोग गुजरात और हरियाणा मॉडल की बात कर रहे हैं। दुष्यंत ने कहा कि आपसी भाईचारे को तोड़ चुके हैं, वहीं आगे चलकर वे आधारभूत ढांचे को भी तोड़ने का काम करेंगे। इसी के साथ आप देख रहे हैं पल पल की एक खास रिपोर्ट। कल से 22 के 22 जिलों को अगले 12 दिन में निशांत सिंह जी और मैं मिलकर कवर करने का काम करेंगे। और एक उद्देश्य जो प्रदेश और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग में 3 योजनाओं पर काम करने का निर्णय पार्टी ने लिया, उसके ऊपर बूथ लेवल और घर तक जाने का काम करेंगे। प्राथमिक तौर पे रोजगार मेरा अधिकार, जहां बेरोजगारों को अपने साथ जोड़कर एक मुहिम के माध्यम से हरियाणा प्रदेश में कैसे 75% प्राइवेट में भी रोजगार का आरक्षण हरियाणवियों को मिले, उस पर काम करना है। दूसरा, गांव लेवल पर जो किसान के ऊपर आज कर्जा है उसकी डिटेल इकट्ठा करके सरकार को उस चीज़ के लिए चेताना और बताना है। और तीसरा, जहां पेंशन की आयु कम करने का वादा जननायक जनता पार्टी के निर्माण में हमने किया था, घर घर जाकर एक एक व्यक्ति से उसका ब्यौरा इकट्ठा करना है कि 55 साल से और 50 साल के बीच में कितनी महिलाएं लाभार्थी हैं और 58 और 60 के बीच में कितने पुरुष लाभार्थी हैं, जिनको आने वाले भविष्य में हम इस योजना का फायदा दिला पाए। और एग्रेसिवली बूथ लेवल पर अपनी टीम को कैसे खड़ा किया जाए, उसके ऊपर वर्किंग है। पार्टी ने ऑलरेडी, आपने देखा, सिरसा के अंदर 5 हलकों के बूथ लेवल के जो हमारे एजेंट रहे लोकसभा चुनाव में, उसकी बैठक ली। उसी प्रकार से कल उचाणा के अंदर भी उचाणा हलके के सारे बूथ लेवल के वर्करों की मीटिंग है और धीरे धीरे 90 की 90 विधानसभाओं के अंदर बूथ लेवल पर संगठन ताकत से खड़ा हो, वो हमारा काम रहेगा। प्रसिद्ध एक विधानसभा की कमेटी सुभाष बराले के नेतृत्व में गुजरात दौरा करके आई है। उनको कहता है कि पहले गुजरात मॉडल की चर्चा होती थी और 4.5 साल सरकार के बाद हरियाणा मॉडल की भी चर्चा होती है। अगर ये गुजरात हरियाणा में चर्चा कर रहे हैं, उनसे पूछो तो सर कि 5 सालों में क्या कर दिया। आज अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा है, गुजरात भी अनएम्प्लॉयमेंट में फेमस था, आज हरियाणा को भी कर दिया। महिला सुरक्षा की बात है, हम देश में 4th नंबर पर आते हैं जहाँ महिलाएं असुरक्षित हैं। हर रोज अखबार और टीवी देखें तो डकैती, लूट, किडनैपिंग, मर्डर, ऐसी घटनाओं से अखबार और टीवी भरे हुए। अगर ये हरियाणा मॉडल, हरियाणा की उन्नति का मॉडल है, तो ये अपने आप में साबित कर देता है कि भारतीय जनता पार्टी का ये प्रण है कि हरियाणा प्रदेश को बर्बाद कर मारने। आपसी भाईचारे को तो तोड़ चुके, उसके साथ साथ आज हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को आज तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लोकसभा में आप पार्टी के साथ जारी रहेगा? बिल्कुल, कोई आपको शक है? किसी और के साथ गठबंधन की उम्मीद तो आगे चर्चाएं करेंगे, दोनों दल बैठेंगे, दोनों दल बात करेंगे कि भाई हमें
किसी और को साथ लेना है या इसी प्रकार से मिलकर लड़ना, आम आदमी पार्टी का निर्णय होगा कि वो आगे कैसे करेगी। हमारी पार्टी ने तो 9 तारीख को ये निर्णय ले लिया कि हम मिलकर आगे बढ़ेंगे। बसपा पार्टी भी आजकल फ्री है, किसी साथ गठबंधन नहीं है, तो क्या पार्टियां तो सारी फ्री है। आज तो कांग्रेस की हालत है, शायद एक नई कांग्रेस और पैदा हो गई। और राजनीति के अंदर तो उतार चढ़ाव आते रहते हैं। आज के दिन जो हमारी जिम्मेवारी है वो किसी से गठबंधन की ओर सोचने की नहीं। हमारे साथ एक अच्छा एलाय है जिसने दिल्ली में काम कर कर दिखाया है, मगर हमारे संगठन का उद्देश्य है कि हम 90 के 90 हलकों में अपने आप को और मजबूती से खड़ा करें और आगामी विधानसभा की तैयारियों में जुटे। लोकसभा चुनाव में उम्मीद नहीं थी कि आपको कि आपके जो हमें तो 6 महीने के अंदर बाई इलेक्शन भी लड़ने का मौका मिला, लोकसभा लड़ने का मौका मिला। तो आप पत्रकार हो, आपको भी पता है कि 223 कैंडिडेट पूरे हरियाणा में चुनाव लड़े थे, उसके अंदर से सिर्फ 20 जमानत बचा पाए, 10 जो जीते 10 जो सेकेंड, और तो कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं है जो अपना डिपॉजिट भी बचा पाया। एक माहौल बनाया गया था जहाँ मोदी वर्सेस चुनाव लड़ा गया। अगर मेरी लोकसभा की मैं बात करूँ, जो एनालिसिस मैंने किया उसमें एक चीज़ तो स्पष्ट है कि लोगों ने बीजेपी के उम्मीदवार को वोट नहीं दी। उम्मीदवार तो शायद गांव में भी और लोगों के बीच में भी समय पर नहीं पहुंच पाए, लोगों ने वोट दिए तो नरेंद्र मोदी के नाम पर दिया। हरियाणा की परिस्थिति में बदलाव, हरियाणा की परिस्थिति जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो लोकसभा से पूरी तौर पर अलग होगी। और यहाँ पर तो पूछें, बीजेपी श्योर है कि खट्टर साहब चेहरा होंगे नहीं होंगे? पहले तो भारतीय जनता पार्टी को ये तो पूछ लो, अगर वो चेहरा होंगे तो उनके सामने कांग्रेस कौन किसको लेकर आएगी, बसपा लोकदल किसको लेकर आएगी, और फिर चुनाव लड़ा जाएगा। विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, मैंने अभी तो बताया मेरा निर्णय नहीं है, तो संगठन का निर्णय है। लोकसभा लड़ने का मेरा मन था, मैं लड़ा। संगठन आपको कहता है चुनाव लड़ने के लिए, संगठन कहेगा तो लड़ेंगे।